हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। इसमें हम लोग को दो काम करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसके अंदर चार शेड्यूल होंगे, शेड्यूल 13, 14, 15 और 16। दूसरा हम लोग को बनाना सीखना है बैलेंस शीट जिसके अंदर में 12 शेड्यूल होंगे, टोटल 12 शेड्यूल होंगे। शेड्यूल नंबर 1 to 5 ये लायबिलिटी साइड के लिए और शेड्यूल नंबर 6 to 12 ये 7 शेड्यूल हम लोग को एसेट साइड के लिए। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनाना जिसमें कि टोटल 12 शेड्यूल होंगे। अलग अलग शेड्यूल के लिए हम लोगों को अमाउंट पहले अलग अलग कैलकुलेट कर लेना होगा सारे शेड्यूल के लिए, शेड्यूल नंबर के हेडिंग के साथ साथ। इसके बाद सारे शेड्यूल के टोटल को हम लोग मेन बैलेंस शीट में लेकर के आएंगे, टोटल लगाएंगे और फिर हमारा बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस ऑफ द इंडियन बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड का 31 मार्च 2014 का ये ट्रायल बैलेंस हम लोगों को गिवन है, जिसका कि ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड है आपके ये 15,000 शेयर्स है 100-100 रुपये वाले, यानी ये आपका 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख। पेडअप कैपिटल लेकिन 10,000 शेयर है 100-100 रुपये वाला, यानी मैक्सिमम हम लोग का जो है 15,000 शेयर है लेकिन कंपनी ने जो है 10,000 शेयर इशू किया है 10 रुपये वाला। तो कंपनी का जो कैपिटल है एक्चुअली में वो 10 लाख रुपये का है। लोकल बिल डिस्काउंटेड, यानी कंपनी ने बिल डिस्काउंट किया है बैंक ने, तो बिल डिस्काउंट किया है कितने का, 9 लाख रुपये का बिल डिस्काउंट किया गया है। रिजर्व फंड जो है ये 3,85,000 का है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये बिजनेस के लिए कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जो बिजनेस ने लोन वगैरह दिया है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स एक तरह का। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये 5,000 का अनक्लेम्ड डिविडेंड है जो पे करना होगा, ये शॉर्ट टर्म या प्रोविजंस के अंदर में आता है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर आता है। लोन्स पेबल ऑन डिमांड, ये जो है ये 23 लाख रुपीस का ये भी लोन दिया गया है जो बिजनेस के लिए एसेट्स है। करंट डिपॉजिट्स, ये हम लोगों ने कस्टमर का डिपॉजिट ले रखा है जो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है। फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जो है बैंक ने ले रखा है 20 लाख रुपया जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है आज के डेट में आपका ये 1,10,000, जिसमें कि 1 लाख रुपया जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर का है, यानी इस साल का प्रॉफिट 1 लाख है। तो 1,10,000 में अगर 1 लाख का प्रॉफिट इस साल के लिए है तो बाकी का बचा हुआ जो 10,000 है वो पिछले साल का प्रॉफिट है जो टोटल साथ में दिख रहा है। एक बात याद रखें कि इस 1 लाख का जो है 25% हम लोगों को स्टैचूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा 25,000 रुपया, और फाइनल जो बैलेंस शीट बनाएंगे फिर आपका 1,10,000 में से 25,000 माइनस करके 85,000 ही हम लोग सिर्फ दिखाएंगे। आगे फिर स्टैम्प एंड स्टेशनरी है जो कि बचा हुआ है बैंक में 5,000 रुपये का, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस का, ये 4,75,000 का ये भी बिजनेस के लिए एसेट्स है। द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू द बैंक्स इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2014 विच इज़ ₹525। यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस में अगर देखा जाए तो 475 का है, लेकिन आज के रेट में जब ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, उस दिन हम लोग का मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का दिख रहा है 525,000। तो ये 525,000 जो है यही वाला जो वैल्यू हम लोग को बैलेंस शीट में शो करना होगा। देखिए स्टैचूटरी रिजर्व में 25% ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोगों ने पहले कर लिया 1 लाख जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% 25,000 स्टैचूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2014 का। चलो जी आइए, तो बैलेंस शीट का ये रहा आपको फॉर्मेट, यही बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। लेकिन बैलेंस शीट में डालने के लिए जो अमाउंट है वो अलग अलग जो है 12 शेड्यूल में हम लोग का अमाउंट सारा हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो फटाफट से एक एक करके हम लोग सारा अलग अलग शेड्यूल का अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोगों का जो शेड्यूल होगा ऑथराइज्ड कैपिटल, कैपिटल्स का है शेड्यूल नंबर 1, कैपिटल का है। तो पहले जैसा ही हम लोग इसमें लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इसमें हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल जो कि है 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़
100 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख, 15 लाख रुपए का हो जाएगा। तीन तीन जीरो हम लोग ओमिटेड छोड़ करके बात करेंगे, तो ये 1500 रुपये का हो जाएगा। डबल लाइन से इसको आप क्लोज कर देंगे। फिर आपका पेडअप एंड इशूड कैपिटल जो 10 लाख रुपए का है, इशूड एंड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये आपका 10,000 शेयर है ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 10 लाख रुपए का शेयर होगा, जिसके लिए हम लोग 1000 लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, चलो जी, इसके बाद हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस वाला कॉलम शेड्यूल हम लोग को तैयार करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए इसके अंदर कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे जो लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। नंबर वन में आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये 1 लाख रुपये का जो प्रॉफिट है, इस 1 लाख का प्रॉफिट का 25% हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 25,000 रुपया। तीन जीरो हम लोग छोड़ करके चलेंगे, तो ये 25,000, तो 25 हो जाएगा ये आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसके बाद है आपका रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, जिसके अंदर आपका आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अच्छा, ये हो गया आपका 385, 385,000 का ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग डाल देंगे। इसी के अंदर एक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 525,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज के डेट में है, पहले था 475,000 का, तो 50,000 से ये बढ़ गया, तो 50,000 से जितना से बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हम लोग को ट्रांसफ़र कर देना होगा। इसके बाद है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जी, ये 1,10,000 का था, इसमें से 25,000 हम लोगों ने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बचेगा 85,000 का, तो 85 इसके लिए हम लोग लिखेंगे, टोटल 545। चलो, इसके बाद शेड्यूल 3 में आते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स यानी जो हम लोगों ने अपने कस्टमर का डिपॉजिट, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट में हो, करंट डिपॉजिट में हो, या फिर सेविंग डिपॉजिट में हो, जो हम लोगों ने ले रखा है, सबका टोटल हम लोग को यहाँ करना है। आइए, तो इसमें दो शेड्यूल आता है, ए और बी। ए के अंदर हम लोग रखते हैं सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे, करेंट डिपॉजिट्स के नाम से आपको दिखेगा ये 25 लाख रुपए का है। तीन जीरो अगर हम लोग ये छोड़कर बात करें तो 2500 रुपये हम लोग लिखेंगे। फिर सेविंग, सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, फिर है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट एक ही है। सेविंग बैंक डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, इसका अमाउंट नील है, इसका तो अमाउंट नील है, कुछ है ही नहीं अमाउंट।
और टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट में है आपका ये 20 लाख, जिसके लिए हम लोग 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2000। इसके बाद फिर आपका आता है डिपॉजिट फ्रॉम ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया, जो दूसरे ब्रांचेज हैं, डिपॉजिट्स फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ इंडिया नील, डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया, ये भी कोई अमाउंट नहीं है, दोनों के दोनों नील। चलो जी, फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, वो एक ही था 5000 रुपये का कुछ है कहीं, अदर के अंदर आ जाएगा इंक्लूडिंग प्रोविजंस। ये 5000 का ट्रायल बैलेंस के अंदर लेफ्ट साइड में आपको जो दिखेगा, 5000 का है एक है, 3 जीरो कैंसिल करके चलेंगे तो 5 लिखेंगे बस। कैश बैलेंसेस, अब आगे आइए, कैश बैलेंसेस में कैश इन हैंड एक दिख रहा है कहीं, 25 लाख रुपए का बैलेंस है, कैश इन हैंड इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी नोट्स, यानी फॉरेन करेंसी के जो नोट्स है और हमारे जो इंडियन करेंसी के जो नोट्स है सबका टोटल करें तो 25 लाख का है, 3 जीरो कैंसिल करके अगर हम लोग चलेंगे तो 2500। चलो सॉरी, ये 2,50,000 का है तो ये 250 हम लोग लिखेंगे, 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो। चलो जी, शेड्यूल 7 की बात करें, जिसमें कि बैलेंसेज विद बैंक्स एंड मनी कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस है, तो बैलेंसेज विद बैंक, चलो जी अब बैलेंसेज का बात कर लें, जो बैंक से हम लोग का लिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए हो, नोटिस अमाउंट हो, जो भी हो, इन इंडिया फिर आउटसाइड इंडिया लेंगे, तो इन इंडिया बैलेंस विथ बैंक्स, बैंक्स में बैलेंस है आपका 6,50,000, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे 650। फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस नील, इसका कोई अमाउंट नहीं है। चलो जी, फिर है आपका आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया का बात हम लोगों ने कर लिया, फिर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो टोटल आपका 650 ही रह जाएगा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 8, चलो जी, शेड्यूल नंबर 8 है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट जो कि 4,75,000 का था कॉस्ट वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में 5,25,000 का, तो अभी तो हम लोग मार्केट वैल्यू ही लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया लेंगे पहले, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया
शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है 5,25,000 का, 3 जीरो कैंसिल करके हम लोग चलेंगे तो 525। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया निल, इसमें कोई अमाउंट नहीं है। टोटल 525 ग्रैंड टोटल। एडवांसेस का बात करते हैं, आइए शेड्यूल नंबर 9। एडवांसेस का मतलब होता है एसेट्स जो हमारे पास है और हम लोगों ने जो लोन के फॉर्म में हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स कस्टमर को दे रखा है। सबसे पहले बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ये 9 लाख रुपए का है तो हम लोग लिखेंगे 900। फिर है कैश क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट्स ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन एंड लोन रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड, इसमें दो अमाउंट है। एक तो एक जगह आपको दिखेगा ये 14 लाख रुपए का जिसके लिए हम लोग 1400 लिखेंगे, फिर 23 लाख का है जिसके लिए हम लोग 2300 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 37 लाख रुपए का, तो 3700 इसके लिए हम लोग लिखेंगे। टर्म लोन्स, फिर है टर्म लोन्स जिसमें कि हम लोग का कोई अमाउंट नहीं है, 4600, 46 लाख रुपए का ये अमाउंट हो गया। शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, आइए पहले प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस निल, प्रीमाइसेस के नाम पर नाम से कोई भी एसेट्स नहीं है। फिर अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर में आपका फर्नीचर एंड इंक्लूडिंग फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, ये 20,000 का है तो 20 लिखेंगे। शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स, इसके अंदर आपको स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स दिखेगा और तो कुछ है ही नहीं, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स 5,000 रुपये का है तो हम लोग 5 लिखेंगे। चलो जी बस टोटल हो गया। और शेड्यूल 12 के लिए कुछ है ही नहीं जिसमें कंटिजेंट लाइब्रेरीज आता है वगैरह वगैरह, तो कुछ है नहीं। तो सारा शेड्यूल हम लोगों ने तैयार कर लिया है, अब हम लोग को फाइनल बैलेंस शीट बनाना है। जो टोटल हम लोगों ने अलग अलग शेड्यूल का किया है, फाइनल बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जो है इन्हीं सारे अमाउंट को डालेंगे, लिस्ट यानी शेड्यूल नंबर के साथ, नेम ऑफ द शेड्यूल के साथ। आइए तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के अंदर में सबसे पहले है कैपिटल, सबसे पहले आपका आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 और इसके अंदर 1000 हम लोगों ने उधर कैलकुलेट किया था। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर हम लोगों ने 545 शेड्यूल नंबर 2 545 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है।
फिर है डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स 4500 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। फिर है बोरोइंग्स, एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस शेड्यूल नंबर 4 एंड 5। ये तो नील है और ये 5। टोटल 6050। चलो जी, अब हम लोग एसेट साइड हम लोग आ गए हैं। चलो जी, एसेट साइड के लिए सबसे पहले तो है आपका कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, तो 250 शेड्यूल 6। ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर रखा है। बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल्स, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 650। फिर आपका है इन्वेस्टमेंट, फिर एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट्स। सिक्स सेवन, फिर है ये आपका 8 9 10 एंड 11। चलो, अमाउंट होगा 525 4620 20 और 5, टोटल 6050। और लास्ट में आपका है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बिल्स फॉर कलेक्शन nil। यही शेड्यूल 12 होता है, इसमें अमाउंट जनरली आपका नहीं होता है, कभी कभी देखने को मिलता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार है फाइनली। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो आप बैलेंस शीट का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से एक बार, है ना। चलो, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। चलो जी, अब सारा कुछ इकट्ठे एक बार में, चलो
इसका QR कोड मैं जनरेट कर देता हूँ, इसको आप स्कैन कर लें तो आपके ये मोबाइल में आ जाएगा या लैपटॉप में, आप जहाँ भी देख रहे होंगे PDF के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छी विजिबिलिटी होएगी इसमें आपको गूगल में अगर आप इसको डालते हैं तो। चलो तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया और इसके अंदर में जो 11+1 कंटिन्यूअस लायबिलिटी के लिए 12 शेड्यूल जो होते हैं शेड्यूल के फॉर्म में पहले अलग अलग तैयार करना होगा, इसके बाद हम लोग मेन जो बैलेंस शीट में है सबको उसमें हम लोग कोट कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को अगर किसी दूसरे किसी नए टॉपिक सब्जेक्ट या चैप्टर पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।